हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.3। 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री है, कंटिन्यू एक्सरसाइज है। इससे पहले दो एक्सरसाइज कर चुके हैं और इसके लिए फॉर्मूले हैं यूज हैं, वो हैं कोटिपूरक कोण वाले फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। ये फॉर्मूले क्या होते हैं, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ये वाला। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे मुझे निकालना साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनियस होगा इसमें, है ना। तो इसकी वैल्यू होगी ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं निकालू कॉस 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपो, ठीक है, यानी इसका आधार ये करण। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। अब इस पे बेस ये एक्सरसाइज है 10.3, और आपको पहचानी है कि जहां भी एंगल का सम 90 डिग्री हो और वैल्यू साइन कॉस की फॉर्म में है, टेन कॉट की फॉर्म में, तब ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है देखो, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू साइन 18 अपॉन कॉस 72। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब देखिए 18 डिग्री और 72, इनका सम क्या होगा, 19 होगा, क्या देखो 72 प्लस 18 इज इक्वल टू 19। तो आप क्या करेंगे, 18 क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस 72 अपॉन कॉस, इसको आपको टच नहीं करना, ठीक है, इसको यहीं रहने दो। अब साइन 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब थीटा क्या है यहां पर, 72। अगर मैं पुट कर दूं 72, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू कॉस 72। तो वैल्यू आई इसकी कॉस 72 अपॉन कॉस 72, आंसर हो इसका 1, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन इसकी इसी पैटर्न पे करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। अब इसमें देखो 48 डिग्री और 42 डिग्री, इनका सम क्या होता है, 90 डिग्री। तो नहीं, ग्रुप में रख लो 1048 डिग्री और 1042 डिग्री और 1023 डिग्री और 1067 डिग्री, एक ग्रुप 1048 डिग्री, 42 को लिखेंगे हम 90 माइनस 48, 23 डिग्री, और 67 को लिखेंगे 90 माइनस 23, ठीक है। अब 1048, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 48, 1023 डिग्री, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 23 डिग्री, ठीक है। अब देखो टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, टेन होता है पी अपॉन बी और ये होता है बी अपॉन पी,
1048 और को लिखेंगे 1/1048, 1023 इंटू 1/1023, इससे कैंसिल इससे कैंसिल और आंसर मिला इसका 1, करेक्ट। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है, 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, अब यू नो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, ठीक है, तो इस tan को cot की फॉर्म में लिखो, क्या बनेगा cot 90 माइनस ये थीटा है यानी 2a, टेन टू ए कॉट 90 माइनस 2a, और इस कॉट को रहने दो अनचेंज, इसका कुछ नहीं करना है तुम्हें, a माइनस 18 डिग्री, करेक्ट। अब दोनों कंपेयर कर लो, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ओके 18 को ले लो, 90 प्लस 18 108 हो जाएगा, 2a प्लस 8 3a, थ्री से डिवाइड कर दो इसको, तो एक वैल्यू मिलेगी आपको ये 36 डिग्री, करेक्ट। उसके बाद एक प्रॉब्लम और करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बड़ी आसान है, tan a इक्वल टू cot b, फोर्थ tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, बहुत आसान है, देखो tan a को लिखो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b को अनचेंज रहने दो, अब दोनों कंपेयर कर लो, 90 माइनस a इज इक्वल टू b और 90 मिल गया आपको a प्लस b, ठीक है, कितना आसान, देखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुका हूं, चलो फिर भी कर रहा हूं, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे, sec को आप cosec में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, sec थीटा होता है cosec 90 माइनस थीटा, तो sec 4a क्या होगा cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, अब कंपेयर कर लो इसको, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है, 20 बदल ले आओ, 90 प्लस 20 110, 4a प्लस a 580, है ना, ए का मिलेगा 110 डिवाइड बाई 5 22 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंत्य कोण है तो सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी के कोण हैं, अतः कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है, लिख दो यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो इससे बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिलेगी 180 माइनस ए, तो आप लेफ्ट साइड ले लो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, लिखोगे
साइन 180 माइनस ए डिवाइड बाय 2, तो साइन 2 से डिवाइड कर दो, 90 माइनस ए बाय 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से आज हमने ये एक्सरसाइज फिनिश की है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक आप फिनिश कर लें।